हेलो माय क्लास 12th स्टूडेंट, हाउ आर यू। मैं अरुण शर्मा, आपका फिजिक्स टीचर, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके चैनल ए विज फिजिक्स फॉर यू पर। आज इस पढ़ने और पढ़ाने की पाठशाला में इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम क्लास 12th का मैग्नेटिज्म का एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं, जो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड जिसके बारे में हम क्लास 10 से ही अच्छे से समझ चुके थे। मैग्नेटिक फील्ड होता है, कोई भी मैग्नेट अपने अराउंड जितने भी अदर आयरन डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको अट्रैक्ट करता है एक पर्टिकुलर फील्ड में। उस फील्ड को नाम दिया गया था मैग्नेटिक फील्ड। अब हम क्लास 12th में इसी को आगे प्रोसीड करेंगे। हम स्टडी करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, वो होता क्या है, उसकी डायरेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाले कॉजेज़ कौन कौन से हैं, और उन कॉजेज़ की वजह से जनरेट होने वाले मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होता है। हम शुरू करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड, उसके बारे में सबसे पहले व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक पर्टिकुलर एरिया अराउंड अ मैग्नेट, करंट कैरिंग वायर और मूविंग चार्ज पार्टिकल। मैंने कहा एक पर्टिकुलर एरिया किसी भी मैग्नेट के अराउंड या फिर करंट कैरिंग वायर के अराउंड या फिर मूविंग चार्ज पार्टिकल के अराउंड, जिसमें वो अदर डस्ट पार्टिकल्स या फिर दूसरे चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट कर ले या दूसरे आयरन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर ले, उस एरिया को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने वाले कॉजेस क्या क्या हैं। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है ड्यू टू, सबसे पहले हम जो नॉर्मली पढ़ते हैं नेचुरल मैग्नेट, ड्यू टू मैग्नेट हो गया, ड्यू टू करंट कैरिंग वायर हो गया, ड्यू टू मूविंग चार्ज पार्टिकल हो गया। ये वो तीन कॉजेज हैं जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं। इनके बारे में हम इस पूरे चैप्टर में वन बाय वन स्टडी करेंगे। पहला नंबर हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। हाउ कैन वी जस्टिफाई द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैग्नेटिक फील्ड की सिर्फ दो ही डायरेक्शन होती हैं जो हम अपने पेपर पर रिप्रेजेंट करते हैं। या तो हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस से, फोर्सेस क्रॉस, या हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। क्रॉस, क्रॉस किसे रिप्रेजेंट करता है, इनसाइड। मींस अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड में है तो हम लगाते हैं क्रॉस। डॉट, आउटसाइड। अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, आउटसाइड जा रहा है, तो हम लोग यूज़ करते हैं डॉट। सिंपली रामायण में देखा नहीं है, जब तीर चलाते हैं रामचंद्र जी, तो तीर की नोक अगर आपकी तरफ आ रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ आ रहा है, मतलब कॉपी से बाहर निकल के आ रहा है, और आप सेफ जोन में बच गए, तीर आपसे दूर चला गया, तो क्या दिखाई देता है, उसका बैक पोर्शन यानी क्रॉस, यानी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रहा है, इनसाइड में। तो ये सिंपल मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शंस को हम कॉपी पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो क्रॉस लगा के मीन्स इनसाइड, या डॉट लगा के मीन्स आउटसाइड। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना तो आ गया, आइडेंटिफाई कैसे करना है, इसके लिए हमें दो सिंपल रूल्स ध्यान रखने हैं। रूल नंबर वन, राइट हैंड रूल। ये राइट हैंड रूल आपको सिंपली तरीके से समझना है। आप राइट हैंड स्ट्रेट करेंगे, जस्टिस पाम रूल। थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में आप थंब कर देंगे। एंड द फिंगर इंडिकेट द पॉइंट वेर यू वॉन्ट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। फिंगर्स को उस पॉइंट की तरफ इंडिकेट कर दीजिए जहाँ आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। इस सिचुएशन में द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ पाम, इसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है, इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये किसे रिप्रेजेंट करती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। ये चीज़ मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, कॉपी पे देखिए। सपोज हमारे पास ये एक वायर है, इस वायर में करंट क्या आ रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। हम देख पा रहे हैं करंट की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड। नेक्स्ट वन, अब करंट की डायरेक्शन तो आइडेंटिफाई हो गई, हमें निकालना है पॉइंट ए पर मैग्नेटिक फील्ड। किस पॉइंट देखना चाहते हैं हम, करंट जो अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसकी वजह से पॉइंट ए पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होती है। तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे, थंब को करंट की डायरेक्शन में कर देंगे, फिंगर इंडिकेट द पॉइंट किस तरफ, ए की तरफ, जहाँ हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। अब इसके परपेंडिकुलर, पाम के परपेंडिकुलर मतलब अंदर, ये जा रहा है अंदर, तो ये पाम के परपेंडिकुलर अंदर डायरेक्शन जा रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड को।
बताया ना मैग्नेटिक फील्ड कैसे रिप्रेजेंट करता है, पाम के परपेंडिकुलर, इस पाम के परपेंडिकुलर। हम करंट की डायरेक्शन में फिंगर एक ही तरफ, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो गया इनवर्ड, तो हमें यहाँ क्या लगा देना चाहिए क्रॉस, मतलब इस पोजिशन पे मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड लाइक दिस। वहीं अगर हम ट्राई करते हैं बी पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए, थंब किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट को, और देन उसके बाद हम तो हो गया करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स मैंने कर दिया बी की तरफ, अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, वो होगा इसके परपेंडिकुलर यानी बाहर। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पाम के परपेंडिकुलर, यानी इस बार डायरेक्शन कहाँ आ रही है आउटवर्ड, तो मुझे इस पोजीशन पे क्या लगा देना चाहिए डॉट, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रहा है आउटवर्ड, यहाँ पे क्या आ रहा है इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक क्लोज पाथ बनाता है, देख रहे हैं, ए से इन और बी से आउट, और फिर वापस ए से इन बी से आउट। इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा रूल नंबर वन, जिसके थ्रू हम ईजिली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकालते हैं। एक और दूसरा रूल होता है, वो भी राइट हैंड से अप्लाई होता है, इसको बोलते हैं स्क्रू रूल। स्क्रू रूल क्या है जरा इसको गौर समझिएगा, ऐसे समझिए जैसे आपने हाथ में एक स्क्रू ड्राइवर पकड़ा हुआ है। अब हम थंब को करंट की डायरेक्शन में करेंगे, और जैसे स्क्रू ड्राइवर से हम पेज को टाइट करते हैं वैसे से रोटेट करेंगे, जिस डायरेक्शन में फिंगर मूव करेंगी दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये किसकी डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की। जरा इससे भी इसी क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। पहले ए पर, अगर मुझे इस रूल से ए पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता तो थंब हो गया करंट की डायरेक्शन में, अब मैंने इसको स्क्रू को टाइट करना शुरू किया, फिंगर्स कहाँ जाती दिख रही हैं अंदर, तो इट मीन मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है ए पर, तो इनवर्ड, और बी पर कहाँ आ रही है आउटवर्ड, तो बी पर कहाँ है आउटवर्ड। वंस अगेन, ए पर इन और बी पर आउट, ये है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इज इट क्लियर, ए पर इन और बी पर आउट। तो इस तरह से मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के दो सिंपलेस्ट वे बताए। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। 12th क्लास में इस मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमाइन करने के लिए बहुत सारे आपको टॉपिक्स दिए गए हैं। पहले मैं उन टॉपिकों के बारे में एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको किस टॉपिक में मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालना है और कितना आएगा, देन उसके बाद वन बाय वन सबके डेरिवेशन। तो पहले टॉपिक नंबर वन, हम फाइंड करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। एक करंट कैरिंग, करंट एलिमेंट जिसे हम बोल सकते हैं, लाइक ये रहा इनफाइनाइट लेंथ का, इसके नियर अबाउट हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है स्मॉल आर डिस्टेंस पे। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी आफ्टर सारा डेरिवेशन करने के बाद, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसमें आई जो इस वायर में करंट पास हो रहा है वो, डी एल इसके एक शॉर्ट लेंथ की बात कर रहे हैं, पूरा वायर नहीं लिया हमने इनफाइनाइट, इसका एक शॉर्ट लेंथ उसकी वैल्यू, एंड थीटा ये एंगल होता है बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द लाइन जॉइनिंग ऑफ दैट पॉइंट, उस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन और करंट की डायरेक्शन के बीच का एंगल, एंड आर इस करंट एलिमेंट से उस पर्टिकुलर पॉइंट तक के बीच का डिस्टेंस। ये हमारा पहला टॉपिक होगा, इसको बायो सेवर्ट लॉ भी बोलते हैं। टॉपिक नंबर टू, जिसमें हम फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक करंट कैरिंग एलिमेंट है, मतलब एक करंट कैरिंग वायर है उसके नियर अबाउट, ये एक स्ट्रेट सीधा बिल्कुल स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, इसके नियर अबाउट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इसमें करंट कितना पास हो रहा है आई, इससे स्मॉलर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो जो सॉल्यूशन निकल के आएगा आफ्टर कंक्लूजन वो होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए ब्रैकेट में साइन 5-1 प्लस साइन 5-2। ये है हमारा रिजल्ट जो आपके सेकंड टॉपिक में मैग्नेटिक फील्ड का आएगा, इसमें स्ट्रेट वायर के नियर अबाउट हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला। इसी का एक वेरिएंट और आता है, अगर ये वायर हमारा इनफाइनाइट लेंथ का हो जाता, इन केस ऑफ इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, एक सीधा स्ट्रेट वायर जो इनफाइनाइट लेंथ का है, तब जो कंक्लूजन निकल के आता है वो आता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन ए। ये दो डेरिवेशन हमें इस टॉपिक में करने हैं, एक हमारे पास स्ट्रेट वायर है फाइनाइट लेंथ का और दूसरा है स्ट्रेट वायर इनफाइनाइट लेंथ का। टॉपिक नंबर थर्ड, जिसमें हम फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी
एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल. ये एक सर्कुलर कॉइल है, यानी एक वायर को सर्कल की फॉर्म में बैंड कर दिया. उसके सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी फाइंड करनी है. करंट पास हो रहा है आई. इस सिचुएशन में जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो होगा म्यू नॉट एन आई अपॉन टू ए. इसमें म्यू नॉट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे. एन नंबर ऑफ टर्न, कितनी बार वायर लपेटा, 1, 2, 3. आई करंट जो पास हो रहा है वायर में. ए रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप, इस लूप का रेडियस कितना है. ये हमारा थर्ड टॉपिक, बट इसी के ही सब टाइटल. इसमें अगला टॉपिक आता है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, बट पूरे सर्कुलर लूप की वजह से नहीं, ड्यू टू देयर शॉर्ट पार्ट. मतलब हमारे पास सिर्फ इतना लूप होता, सपोज ये रिमूव. अब हमें मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी फाइंड करनी होती इस लूप की वजह से, तो रिजल्ट क्या आता. हम फाइंड करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू शॉर्ट सर्कुलर लूप. इस सिचुएशन में क्या रिजल्ट आता. देखिए सबसे पहले जो मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूँ वो कितना आएगा वो देखिएगा. बी डैश पूरे सर्कुलर लूप की वजह से कितना आता है, बी जो हमने अवेल में फाइंड किया. हमें इसके लिए जो एंगल गिवन है, सपोज ये एंगल कितना हमने रखा है यहाँ से थीटा. पूरे लूप के लिए एंगल कितना होता है, 360 के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा है, बी. हमें किसके लिए निकालना है, थीटा के लिए. ये वैल्यू हमें कितनी देगा, थीटा डिवाइड बाई 360 यानी कि 2π. जो भी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर से आता है हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं थीटा बाई 2π से. 2π मतलब 360 और थीटा मतलब जो भी एंगल सेंटर से उस लूप के कॉर्नर्स ने बना रखा है, एजेस ने, वो थीटा रखते ही आपको मालूम पड़ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू. थर्ड सब टाइटल में हम फाइंड करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी आउटसाइड ऑफ सर्कुलर कॉइल. ये एक सर्कुलर कॉइल है, एक रिंग, और उसके हमें बाहर, जस्ट लाइक इसे ऐसे समझिएगा, ये एक रिंग हो गया दिस वन, इसके बाहर हमें मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी निकालनी है, लाइक यहाँ पे, जस्ट लाइक दिस, इस पॉइंट पे. तो जो रिजल्ट आएगा इसका वो आता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन में 2 ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2. ये हमारा थर्ड टॉपिक का तीसरा सब टाइटल, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी का फोर्थ टाइटल. इसमें हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मूविंग चार्ज पार्टिकल. सपोज एक चार्ज पार्टिकल लाइक दिस प्लस q कंटिन्यूसली मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ v. वो एक कांस्टेंट स्पीड v से कंटिन्यूसली एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है. हमें जो इसने पाथ ट्रेस कर रखा है ये वाला, इससे स्मॉल r डिस्टेंस पे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, किस पॉइंट पे, b पर. ये जो रिजल्ट निकाल के देगा वो आता है म्यू नॉट अपॉन 4π क्यू वी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. इस तरीके से हम ये सारा टॉपिक पढ़ेंगे तब हमारा कंप्लीट होगा मैग्नेटिक फील्ड का एक बड़ा टाइटल जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसके अंदर 4 सब टाइटल्स हैं. सो स्टूडेंट शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, जिसे हम बायो सेवर्ट लॉ भी बोलते हैं. एक्चुअल में इसमें हमारे पास एक बड़े से लूप का छोटा सा पोर्शन लिया जाता है, उसमें पास होता है करंट, तो उसको बोलते हैं हम करंट कैरिंग एलिमेंट, और उसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी फाइंड करने की कोशिश करेंगे. ये लॉ है. लॉ में आपको बताया सारी चीज़ें प्रैक्टिकली डिस्क्राइब होती हैं जिनको हम वेरीफाई नहीं कर सकते. शुरू करते हैं बायो सेवर्ट लॉ. हमारे पास एक करंट एलिमेंट है जस्ट लाइक दिस. ये है हमारे पास एक इनफाइनाइट लेंथ का करंट एलिमेंट, छोटा सा पूरे लूप का एक पार्ट. इसमें करंट कितना पास हो रहा है, आई. आई एम्पियर करंट इसमें पास हो रहा है. हमसे कहा गया कि इसके नियर अबाउट यहाँ पे एक पोजीशन है सपोज ए. इस पॉइंट ए पर मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी की वैल्यू फाइंड करिए. तो एज पर द बायो सेवर्ट लॉ हम कैसे ए पर मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी की वैल्यू फाइंड करते हैं वो देखिए. हमने इसका एक लूप लिया, इस लूप का एक शॉर्ट पार्ट, डी एल लेंथ का एक करंट एलिमेंट ले लिया छोटा सा. इस करंट एलिमेंट से ए को कहीं भी मिला देते हैं हम. ये हमने इसको ए से अटैच कर दिया. करंट एलिमेंट के उस पॉइंट से जहां हमने इस लाइन को अटैच किया है ए तक का डिस्टेंस है स्मॉल आर. तो करंट एलिमेंट से उस पर्टिकुलर पॉइंट तक का डिस्टेंस हो गया स्मॉल आर. ये है करंट की डायरेक्शन.
और यह है उस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है सपोज थीटा। तो एज पर द बायो सेवर्ट लॉ, जो बायो सेवर्ट ने अपने लॉ में डिस्क्रिप्शन दिया था, इन सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द वायर। मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे डिपेंड करता है पास होने वाले करंट की वैल्यू पर, पॉइंट वन। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शॉर्ट लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट। ये जो हम करंट एलिमेंट ले रहे हैं इसकी लेंथ कितनी है उस पर डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड। छोटा करंट एलिमेंट लेंथ भी छोटी, बड़ा करंट एलिमेंट लेंथ भी बड़ी, तो मैग्नेटिक फील्ड भी उस हिसाब से बड़ा। मतलब जितना लेंथ छोटा उतना मैग्नेटिक फील्ड कम, जितना इसका लेंथ ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही ज़्यादा। तीसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा। अब ये साइन थीटा क्या होता है? थीटा ये इंपॉर्टेंट रोल है। थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ दैट पॉइंट। करंट की डायरेक्शन और उस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, इनके बीच में बनने वाला एंगल थीटा, इसके साइन वाले कंपोनेंट पे डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड, जो लॉ में बताया गया था। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वायर, या फिर ये भी बोल सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, एक ही बात है। करंट एलिमेंट से ए तक का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कह लीजिए, या फिर वन अपॉन आर स्क्वायर के डायरेक्टली, इन सारी बातों पे डिपेंड करता है इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। और जब इन्हें कंबाइंड किया गया तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। एज यू नो, जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो क्या आएगा, एक कॉन्स्टेंट इज म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। एक करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। एक बार क्विक रिव्यू, इसमें हमने क्या देखा, एक वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, ये बड़े से लूप का छोटा सा पार्ट है, इसका हमने एक छोटा सा पोर्शन ले रखा है डीएल, इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पे पॉइंट ए है जहां हमें मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है एज पर द बायो सेवर्ट लॉ। तो बायो सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगा इस वायर में पास होने वाले करंट पे, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगा इसकी लेंथ पर जो आपने करंट एलिमेंट लिया है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा। ये थीटा क्या होता है, इट इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ दैट पॉइंट, उस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन और करंट की डायरेक्शन के बीच का एंगल। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वायर। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वन अपॉन आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन सबको कंबाइन किया तो फाइनली पता चला मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसमें जो कांस्टेंट आता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जिसकी वैल्यू होती है 10^-7। इसमें म्यू नॉट को हम लोग बोलते हैं परमेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिज्म। इसके बारे में फर्दर अगले चैप्टर्स में डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट्स, अब शुरू करते हैं हम सेकेंड टॉपिक, जो था हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। एक करंट कैरिंग वायर को कॉइल की फॉर्म में हमने बैंड कर दिया, यानी सर्कुलर फॉर्म में, उसके सेंटर पर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है। देखते हैं कितनी वैल्यू निकल जाती है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक सर्कल, ये वायर को सर्कल की फॉर्म में बैंड किया, ये बन गया हमारा सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल जिसमें करंट पास हो रहा है। सपोज ये हमारा करंट है, कितना पास हो रहा है अमाउंट ऑफ करंट, सपोज आई, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में करंट आई इसमें पास हो रहा है, और ये है इसका सेंटर ओ जिस पे हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को। सपोज इसका रेडियस है ए, तो अभी हमें दिखाई दे रहा है एक सर्कुलर कॉइल हैविंग रेडियस स्मॉल ए, करंट आई पासिंग इन दिस, हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर पॉइंट ऑफ ओ। हम इसके पार्टीशन कर लेते हैं, ये रहा हमारे पास एक लूप छोटा सा जिसकी हम बात करें, लेंथ है इसकी सपोज डीएल। हम फाइंड करने जा रहे हैं पहले इस शॉर्ट लेंथ वाले डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, कहां पर, ऊपर, ये देखिए।
अब ओपन मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे? भाई वी नो वेरी वेल एज पर द बायो सेवर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू एनी करंट कैरिंग एलिमेंट, ये भी तो करंट कैरिंग एलिमेंट है, वो सीधा हो टेढ़ा हो कैसा भी हो, उन सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी निकल सकती है। बायो सेवर्ट लॉ में उसके लिए फॉर्मूला दिया गया है कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे इस स्मॉल जो हमारे पास करंट एलिमेंट है इसकी वजह से ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी निकालने के लिए। ज़रा शुरू करते हैं, वैल्यू आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, क्योंकि आई तो करंट है और इसकी लेंथ है डी एल। एंड व्हाट अबाउट द थीटा, ये जो करंट एलिमेंट है ये वाला, इसने रेडियस के साथ कितना एंगल बना रखा होगा, 90। जो करंट एलिमेंट है उसने रेडियस के साथ कितना एंगल बना रखा है, सेंटर की तरफ 90। तो ये हो गया हमारे पास साइन 90, क्योंकि थीटा हम क्या लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट और उस पर्टिकुलर पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के बीच का एंगल। ये डायरेक्शन ऑफ करंट है और ये उस पॉइंट को मिलाने वाला, इनके बीच में एंगल बना 90। और रेडियस कितना है इसका, ए स्क्वायर। साइन 90 की वैल्यू 1। तो वैल्यूज जो हमारे पास आई आफ्टर कैलकुलेशन वो थी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर, किसकी वजह से, इस स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट एलिमेंट की वजह से। अब जरा एक बात, इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी मैग्नेटिक फील्ड की, जो ओ पॉइंट पर जनरेट कर रहा है ये करंट एलिमेंट, वो फाइंड करते हैं कौन से रूल से, राइट हैंड रूल से। तो करंट की डायरेक्शन कहाँ आ रही है हमारे पास, ये डाउनवर्ड, तो मैंने इसे रखा थंब को डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और फिर मैंने फिंगर्स को कहाँ कर दिया, पॉइंट ओ की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आता है, हमेशा बताया था पाम के परपेंडिकुलर, तो पाम तो इनवर्ड है तो इसके परपेंडिकुलर मतलब बोर्ड के अंदर की तरफ। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। वंस अगेन, करंट डाउनवर्ड, करंट जा रहा है हमारा क्लॉकवाइज और फिंगर ओ की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया इनवर्ड। ऐसे ही बहुत सारे करंट एलिमेंट हैं, सबकी वजह से देखो हर तरफ से मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कहाँ आ रही है, इनवर्ड। जरा एक बार यहाँ से भी चेक करते हैं, ये भी कहाँ दे रहा है, इनवर्ड। इट मीन्स जितने भी ये बचे हुए करंट एलिमेंट हैं वो सबके सब पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जनरेट करेंगे, इनवर्ड। और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि सारे के सारे करंट एलिमेंट सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं। इट मीन्स टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो इस लूप की वजह से होगी वो इन सारे एलिमेंट्स के मैग्नेटिक फील्ड के सम के इक्विवेलेंट होगी, वही हम करने आ रहे हैं। तो इन सब का भी अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड है। अब हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो हम क्या करेंगे, सिग्मा ऑफ डी बी, मतलब इन सब के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज़ को सम। जरा वैल्यू सम करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है। सिग्मा ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर, जब हम इन वैल्यूज़ को सम करेंगे तो इसमें से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो वही कांस्टेंट है, बाहर आ गया। करंट की वैल्यू में कोई वेरिएशन नहीं क्योंकि पूरे में रन थ्रू करंट आई ही पास हो रहा है, अपॉन में रेडियस पे कोई फ़र्क नहीं, बट सिग्मा ऑफ डी एल, क्यों, हर करंट एलिमेंट की लेंथ डिफरेंट डिफरेंट है, किसी की ज़्यादा बड़ी है किसी की कम, तो डी एल सबके लिए डिफरेंट। अब वैल्यूज़ आगे प्रोसीड करते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, व्हाट अबाउट द सिग्मा डी एल, सारे करंट एलिमेंट का सम करो, ये क्या बन गया, पूरा सर्कमफ्रांस, इसका सर्कमफ्रांस कितना होगा, 2 पाई ए, वही हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो सिग्मा डी एल इज इक्वलेंट टू 2 पाई ए। चला कैंसिलेशन करते हैं, देखते हैं क्या आंसर बचता है। ये हमारे पास जो सॉल्यूशन बचेगा, म्यू नॉट अपॉन, देखिए म्यू नॉट सेफ, 2 से 4 कैंसिल, मतलब 2 से 4 टू टाइम, पाई से पाई कैंसिल, 1 a से a कैंसिल, तो म्यू नॉट आई अपॉन ए, ये हमारे पास आया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। और सपोज इस सर्कुलर कॉइल में वायर का टर्न 1 2 3 4 5 एन टाइम वायर हमने लपेटा होता, अभी तो सिर्फ एक वायर था, तो हम उस केस में इस रिजल्ट में एन से भी मल्टीप्लाई कर देते, तब हमें क्या मिलता रिजल्ट, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a। यहाँ पे जो हमने मल्टीप्लाई किया है वो है n, और n क्या है, नंबर ऑफ टर्न इन कॉइल, आपने कॉइल में वायर को कितनी बार लपेटा,
सिर्फ एक सिंगल वायर है तो n1 हो गया, उसको 1, 2, 3, 4, 10, 20 जितने मर्जी लपेट दो, सपोज n, तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने n से। शुरू करते हैं इसी सीरीज़ का दूसरा डेरिवेशन। अब हम निकालने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, बट पूरे सर्कल की वजह से नहीं, एक द स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट एलिमेंट, मतलब ये कह सकते हैं एक पूरे सर्कल का छोटा सा पार्ट। अब जरा समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये हमारे पास पूरा सर्कल था, हम बात करते हैं सिर्फ इस पोजीशन की, ये हमारे पास सिर्फ इतना सा सर्कुलर पार्ट है, पूरे सर्कुलर लूप का एक छोटा सा पार्ट, जिसने सेंटर ओ से एंगल जो प्रिपेयर कर रखा है, सपोज वह एंगल होता थीटा, कितना एंगल प्रिपेयर कर रखा है उन्होंने, थीटा। अब हमसे कहा जाता कि फाइंड करिए इस छोटे से सर्कुलर लूप के एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी एट द पॉइंट ऑफ ओ। तो मस्ट बी रिमेंबर, जब पूरा सर्कल होता था तो पूरे सर्कल के लिए एंगल कितना बनता था, 360 मतलब 2 पाई। तो हम कह सकते थे कि 2 पाई के लिए, अगर जब एंगल 2 पाई होता था, मैग्नेटिक फील्ड निकल के आता था, हमने निकाला था मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a, ये हमने फाइंड किया था मैग्नेटिक फील्ड पूरे सर्कल के लिए। ये सिर्फ एंगल कितना बना रहा है, थीटा। तो हम देखते हैं कि थीटा के लिए ये वैल्यू कितनी आती, म्यू नॉट एन आई 2a मल्टीप्लाई बाई थीटा डिवाइड बाई 2 पाई। ये होता हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी का फॉर्मूला इस छोटे से लूप के पार्ट की वजह से। ये पूरा लूप नहीं है, सर्कुलर लूप पूरा नहीं है, उसका एक छोटा सा पोर्शन है। तो सिंपलीफाई आप समझ चुके होंगे, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से निकालना हो तो पूरे सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड लीजिए, उसको मल्टीप्लाई करिए थीटा अपॉन 2 पाई से, ये आपको आंसर निकाल के देगा 1, पूरे लूप के छोटे से पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। होप सो क्लियर, एक बार फिर रिकॉल कर देता हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल में कई बार आया हुआ है। जब हमारे पास पूरा सर्कल होता है उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो पूरे सर्कल के लिए एंगल बनता है 360 यानी 2 पाई, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड आता है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a। बट हम बात किसकी कर रहे हैं, पूरे सर्कल के लिए नहीं, एक छोटे से पोर्शन की वजह से, और उसके लिए एंगल कितना है सेंटर से, थीटा। तो थीटा के लिए वैल्यू उसके लिए, यानी मैग्नेटिक फील्ड हुआ कितना एग्जैक्टली, सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है पूरे सर्कल की वजह से वो लीजिए, मल्टीप्लाई जो आपका लूप है उसने कितना एंगल बना रखा थीटा वो लीजिए, डिवाइड बाई 2 पाई। दो ऑप्शन है, दोनों से आप इस स्मॉल सर्कुलर लूप के शॉर्ट पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी को फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अब शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम होगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड ऑफ द सर्कुलर कॉइल। मतलब एक कॉइल है, जस्ट लाइक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जस्ट लाइक एक रिंग, ये एक कॉइल समझिएगा जिसको ट्रीट करिएगा, ये एक कॉइल है जो आपको दिख रही है ऐसे, इस कॉइल के बाहर जस्ट लाइक इधर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, समझ पा रहे हैं, ये कॉइल हो गई, इससे बाहर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ निकालनी है इस पॉइंट पे। अब तक हम कहाँ निकालते थे, सेंटर पे, बट अब सेंटर से बाहर इस पॉइंट पे। तो ज़रा कंसीडर करिएगा और इसमें ड्रॉ को बहुत अच्छे से समझिएगा, अगर ड्रॉ आपने अच्छे से क्लियरिफाई कर लिया तो ये डेरिवेशन ईजी है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो फर्स्ट थिंग, हम जो बोर्ड पर देख पा रहे हैं, ये है हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल, इस सर्कुलर कॉइल में करंट पास हो रहा है लाइक दिस, एंटी क्लॉकवाइज, मर्जी आपकी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे लें, नो इशू, करंट पास हो रहा है। इसका रेडियस कितना है, स्मॉल a, इसके पॉइंट सेंटर पॉइंट o से स्मॉल r डिस्टेंस पे ये रहा एक पॉइंट c, इस c पॉइंट पे हमें फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। देख रहे हैं, सेंटर पॉइंट o से स्मॉल r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जरा ड्रॉस को बहुत अच्छे से समझिए क्योंकि इसमें कई चीज़ें बड़ी कन्फ्यूज़ करती हैं। सबसे पहले ये a है, ये r है और ये हमारा लूप है। अब लूप में एक साथ तो पूरे लूप की वजह से हम बाहर निकाल नहीं सकते, हम क्या करेंगे, इस लूप के पोर्शन करेंगे, जस्ट लाइक ये लूप है, इसका पूरा ना लेके एक छोटा छोटा थोड़े थोड़े पोर्शन, मैंने जैसे इतने पोर्शन की बात करूँ, पहले इतने पोर्शन से फिर इतने से फिर इतने से फिर इतने से, तो अभी मैं आपको एक छोटे से पोर्शन से इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी निकाल के दिखाता हूँ। तो देख पा रहे हैं, ये रहा छोटा सा पोर्शन, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी हम निकालेंगे। इसमें इसकी लेंथ सपोज मेजर कर ली हमने dl है, अब ये डिस्टेंस a है, ये r है, तो c से लेकर इस छोटे से करंट एलिमेंट dl तक का जो डिस्टेंस होगा एज पर पाइथागोरस थ्योरम कितना हो जाएगा, वो रूट में a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगाइए,
ये डिस्टेंस अगर रूट में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, सेम डिस्टेंस नीचे वाला भी कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट के अंदर। अब हमें सी पर मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी को फाइंड करना है। ये जो करंट एलिमेंट है जो सी पर मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी जनरेट करेगा वो कहाँ करेगा, जो अब तक हमने रूल पढ़ा था एक बार फिर से रिव्यू कर लें। रूल क्या होता था, थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर इंडिकेट द पॉइंट वेर यू वॉन्ट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होता था, इसके परपेंडिकुलर लाइक दिस, ये परपेंडिकुलर पोजिशन ऐसे समझिएगा। यहाँ पर भी डायरेक्शन भाई, ये करंट एलिमेंट हो गया, अब इसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी निकालनी है, तो करंट की डायरेक्शन तो लाइक दिस, फिंगर कहाँ चलाएगा, नीचे की तरफ, फिंगर नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी कहाँ आएगी, इससे परपेंडिकुलर। ये देखिएगा यहाँ पे गौर से, मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ थोड़ा सा, इसके परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। और अगर यहाँ देखें तो करंट ऊपर है, फिंगर कहाँ चलेगी, ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी कहाँ देगा, इसके परपेंडिकुलर। यानी आपको जो देखना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो कहाँ मिलेगी, इस पोजीशन के परपेंडिकुलर। समझिएगा कैसे बताया मैंने, ये है हमारा वो लाइन और इसके परपेंडिकुलर लाइक दिस, ये हो गए मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी की वैल्यू इस एलिमेंट की वजह से। सेम इसकी वजह से भी कहाँ निकलेगी, सेम ऐसे जस्ट लाइक ये मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी की वैल्यूज dB। अब हम देखते हैं कि एंगल, सपोज ये एंगल कितना है यहाँ पे हमारे पास, इसको मान लेते हैं हम अल्फा, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, अल्फा, कुछ भी ले सकते हैं अल्फा बीटा। नेक्स्ट वन, अगर मैं इसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ये मैंने मिलाई इसको एक स्ट्रेट लाइन से अटैच किया, हमारा काम क्या है, हमारा काम है इसके कंपोनेंट्स करना, हम कंपोनेंट करने आ रहे हैं बी के। अब पहले एंगल पता हो तब तो कंपोनेंट हो, जरा एंगल पे बहुत क्लियरिफाई तरीके से समझिएगा, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बन रहा है 90, देखिए ना इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे, ये एंगल है 90 और ये अल्फा, तो ये कितना बचा, ये बचा हमारे पास 90 माइनस अल्फा, अंडरस्टैंड। अगर ये अल्फा है, ये 90 का एंगल है, तो अल्फा माइनस करिए 90 माइनस अल्फा, इसने भी एंगल कितना बना रखा है यहाँ पे 90, और अगर ये 90 है तो 90 में से 90 माइनस अल्फा माइनस करिए, ये बचा सिर्फ और सिर्फ अल्फा। ये सिर्फ समझाने के लिए था कि ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, आपको समझ में आया होगा। फिर से देखिए, ये हमें इतना अल्फा दिया था, ये 90 था, तो ये हो गया 90 माइनस अल्फा, ये 90 है, 90 में से 90 माइनस अल्फा रिमूव करो, बचा अल्फा। इस तरीके से हमें ये एंगल मिला अल्फा। सेम ये एंगल भी कितना होगा हमारे पास, अल्फा। कंपोनेंट्स करते हैं, स्टार्ट करते हैं इनके कंपोनेंट्स। अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड का BY1 डायरेक्शन में यानी Y डायरेक्शन में कंपोनेंट करूं, ये अल्फा एंगल है तो ये वैल्यू आनी चाहिए B cos अल्फा, और सेम अगर मैं इसका नीचे वाला कंपोनेंट करूं Y में तो ये वैल्यू आनी चाहिए B cos अल्फा, ये भी सेम। कंपोनेंट करते हैं इनके X डायरेक्शन में, तो B का X डायरेक्शन में कंपोनेंट यानी BX1, ये आना चाहिए B sin अल्फा। ये कंपोनेंट हमने 11th क्लास में करने सीखे थे, एंगल वाला कंपोनेंट कॉस में होता है इसलिए कॉस में हुआ है, और इसके ठीक 90 पे वैल्यू आती है साइन में। सेम एज इट इज़, ये एंगल वाला कॉस में और ठीक 90 पर इसका नीचे वाला कंपोनेंट आएगा हमारे पास बी साइन अल्फा। ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट होंगे क्योंकि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जब हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं तो वो कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता आ रहा है। हमने सबके कंपोनेंट किए तो सबके जो कॉस वाले कंपोनेंट है वो तो हो गए कैंसिल, और साइन वाले कंपोनेंट सारे आ रहे हैं एक डायरेक्शन में इसलिए वो ऐड हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमें मालूम पड़ा कि BY1 और BY2 आर इक्वल एंड अपोजिट, सो दे कैंसिल ईच अदर, ये तो एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल। बट BX1 एंड BX2 बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो ये एक दूसरे को कर लेंगे ऐड। तो इस तरीके से सी पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आना चाहिए, सम ऑफ बी साइन अल्फा के इक्वल। यहाँ पे हमें जितने भी साइन वाले कंपोनेंट मिले सबको ऐड कर देना है, हमें मिल जाएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। अब हम फाइंड करते हैं वैल्यूज इनकी, जरा गौर से देखते हैं। ये जो शॉर्ट एलिमेंट है ये इस सी तक कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, बट जरा गौर से देखिएगा ये करंट की डायरेक्शन कहाँ दे रहा है, इस तरीके से। मैग्नेटिक फील्ड हम कहाँ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इधर, क्योंकि अगर हम ए को बहुत स्मॉल मानें तो आई एम सेइंग दैट करंट जा रहा है हमारा इनवर्ट सपोज, क्योंकि सर्कल ऐसे बना हुआ है,
और हम मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकाल रहे हैं, इस डायरेक्शन में। और अगर मैं इस ए को स्मॉल मान लूँ, बहुत छोटा, ये एंगल कितना बनता दिख रहा है, 90। तो इन केस ऑफ स्मॉल ए, अगर हमारा स्मॉल ए बहुत छोटा है तो ये एंगल कितना बना रहा होगा, करंट की डायरेक्शन और उस पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में 90। तो एज पर द बायो सेवर्ट लॉ, जो हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए इस शॉर्ट एलिमेंट की, वो कितनी आनी चाहिए, ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम, तो बी आना चाहिए निकल के हमारे पास। इसकी वजह से यहाँ पर स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जो हम बायो सेवर्ट लॉ से अप्लाई कर रहे हैं, आई डी एल शॉर्ट एलिमेंट, लेंथ और एंगल कितना बताया मैंने आपको, 90। ये 90 ध्यान रखिएगा, ये तभी अप्लीकेबल है जब स्मॉल ए बहुत छोटा हो जाए, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ से रूट रिमूव हो जाएगा। ये हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिल चुकी है, ये वैल्यू हम प्लेस करेंगे यहाँ पर और कैलकुलेट करेंगे टोटल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने यहाँ पर इस वैल्यू को dB की, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वैल्यू, उसको प्लेस किया, जो हमने फाइंड किया था म्यूरल अपॉन 4 पाई IDL ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ये वैल्यू प्लेस करने के बाद रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हमें दिखाई दे रहा है साइन अल्फा के फॉर्म में। तो पहले साइन अल्फा निकालते हैं, ये साइन अल्फा होगा कितना, ये वैल्यू यहाँ से हमें प्लेस करके मिलेगी, साइन अल्फा शुड बी इक्वल टू, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है, ए, एंड व्हाट अबाउट द हाइपोटेनस, इज ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और वो भी रूट में, मतलब 1/2। इस तरह से हमें वैल्यू किसकी मिली, साइन अल्फा की। अब ये साइन अल्फा की वैल्यू हम यहाँ प्लेस करेंगे, कैलकुलेट करेंगे और हमें मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। प्लेस करते हैं इसके अंदर साइन अल्फा की वैल्यूज को, इस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये वैल्यू यहाँ प्लेस होती है सारी कॉन्स्टेंट की फॉर्म में, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 1/2। ये हमने वैल्यू फाइंड की किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है। तो ये वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, बी नेट शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर आया, आई एज अ कॉन्स्टेंट बाहर आया, ए बाहर आ गया, पावर 1 एंड पावर हाफ बेस आर इक्वल, पावर शुड बी एडिड, तो हो गया ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब सिग्मा क्या बचा अंदर, डी एल, डी एल क्या हो गया हमारे पास, उस पूरे सर्कुलर लूप का लेंथ। अब उसको अप्लाई करते हैं, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2 एंड डी एल 2 पाई a, पूरा उसका लेंथ 2 पाई a, क्योंकि रेडियस कितना लेके चल रहे थे हम उसका, a। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो हमें जो आंसर आएगा, म्यू नॉट सेफ है, 2 से 4 को कैंसिल किया 2 टाइम, पाई से पाई कैंसिल, आई ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। ये हमें मिला है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, कहाँ पर, आउटसाइड ऑफ द सर्कुलर कॉइल। इसमें जो रिजल्ट आया है उसमें आई क्या है, अमाउंट ऑफ करंट जो सर्कुलर लूप में पास हो रहा था, ए है सर्कुलर लूप का रेडियस, और आर क्या है, सर्कुलर लूप के सेंटर से एक्सल लाइन पे जहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं वहाँ तक का डिस्टेंस। स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक जिसमें हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फाइनाइट लेंथ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। मतलब एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, उसके नियर अबाउट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, और इज इम्पॉर्टेंट फॉर कंपटीशंस आल्सो। तो इसको ज़रा केयरफुली ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसका ड्रॉ एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारे पास एक वायर है, ये एक वायर, नेम ऑफ वायर इज ए बी। तो हमारे पास जो वायर है ए बी, इसका नेम हो गया स्ट्रेट वायर है। इसमें अमाउंट ऑफ करंट पास हो रहा है सपोज आई, आई एम्पियर करंट इसमें से पास हो रहा है। एट द डिस्टेंस ऑफ स्मॉल ए, इस वायर से सपोज स्मॉल ए डिस्टेंस ले लेते हैं, यहाँ पे हमें इस पॉइंट पे फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को। हम इसकी दोनों वर्टिस को इससे अरेंज करते हैं, हमने इसकी दोनों वर्टिस को इससे अरेंज किया, और जो एंगल इसने प्रिपेयर कर रखे हैं उनके बारे में बात करते हैं।
लोअर वर्टिस बी ने एंगल प्रिपेयर कर रखा है इसके साथ ये वाला 5-1, ये एंगल हो गया हमारे पास 5-1, और अपर वर्टिस ए ने एंगल प्रिपेयर कर रखा है इसके साथ 5-2, ये हो गए इसके एंगल्स। नेम दे देते हैं इसको सपोज सी, जहां हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अब बात करते हैं आगे, हमने इस करंट एलिमेंट का ये नेम दे दिया ओ, इसका भी एक छोटा सा पोर्शन लिया हमने, ये रहा हमारे पास एक पोर्शन दिस वन, जिसका लेंथ कितना है सपोज डीएल शॉर्ट। हम इससे फाइंड आउट करते हैं पहले सी पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो हमने इस शॉर्ट लेंथ डीएल से पॉइंट सी को अरेंज कर दिया। सी ने इस शॉर्ट लेंथ के साथ जो एंगल बनाया वो है सपोज फाई, जस्ट एंगल फाई, और यहाँ से जो करंट की डायरेक्शन है और उस पर्टिकुलर पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ने एंगल बनाया है थीटा। तो होप सो आपको एंगल समझ में आ रहे होंगे, फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ एक बार सारे एंगल्स। इसके मैंने यहाँ पे एक वायर लिया है ए बी, ए ने इस पॉइंट सी पे जहाँ हमें मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी निकालनी है, जिसका डिस्टेंस का कितना है वायर से स्मॉल है, ए ने इसके साथ एंगल बना रखा है 5-2, बी ने इसके साथ एंगल बना रखा है 5-1, और इस पूरे वायर का भी एक छोटा सा एलिमेंट हमने लिया, ये जरा सा एलिमेंट डीएल, थोड़ा सा एलिमेंट जस्ट लाइक ये जरा सा एलिमेंट डीएल, इसने इस पॉइंट सी के साथ एंगल बना रखा है थीटा, और इधर की तरफ से सी ने एंगल बना रखा है इसके साथ फाई। और होप सो ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, ये एंगल कितना है हमारे पास 90। अब हम क्या करते हैं, हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं सी पर मैग्नेटिक फील्ड, पर बिफोर कैलकुलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ सी, हम पहले स्मॉल अमाउंट डीएल की वजह से सी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। इस स्मॉल अमाउंट डीएल की वजह से सी पर मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं वैल्यूज कितनी देता है ये स्मॉल अमाउंट इस पॉइंट सी पर एज पर द बायो सेवर्ट लॉ। तो ये वैल्यूज हमें देगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट एज पर द बायो सेवर्ट लॉ, म्यू नॉट अपॉन 4π आई डीएल साइन, अब एंगल कितना बना रखा है करंट की डायरेक्शन उस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ने थीटा, यहाँ हमें लेना चाहिए साइन थीटा, और ये डिस्टेंस सपोज ये डिस्टेंस कितना है इसका आर यहाँ तक, तो ये हो गया हमारे पास आर स्क्वायर इज योर फर्स्ट इक्वेशन। क्या आपको ये बात समझ में आई, मैंने अभी तक क्या करा है, मैंने इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट सी पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ, म्यू नॉट अपॉन 4π आई डी एल साइन, ये रहा एंगल थीटा करंट की डायरेक्शन और उस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के बीच का एंगल अपॉन आर स्क्वायर। अब हम इसकी वैल्यूज को कैलकुलेट करके प्लेस करेंगे जगह पे, कैसे 1x1। पहले आप इस ट्राइंगल को गौर से देखिए, कौन सा ट्राइंगल ओ सी, और इसको नेम दे देते हैं हम लोग एन, ओ सी एन को जरा गौर से देखिए, ये एन ये वाला पॉइंट है ओ सी एन, ओ सी एन, इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा प्लस फाई को ऐड कर लो किसके इक्वल आएगा 90, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, ये है ही 90, तो थीटा प्लस फाई कितना बचा 90 डिग्री, तो थीटा प्लस फाई अगर 90 डिग्री के इक्वल आ रहा है तो इट मीन्स यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी मिल रही है हमें 90 माइनस फाई, और हम कहें कि साइन थीटा कितना मिल रहा है, वो हमें मिल रहा है साइन 90 माइनस फाई, दोनों तरफ साइन लिखा तो साइन थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 90 माइनस फाई कितना हो गया कॉस, तो ये बात समझ में आई कि साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ रही है कॉस फाई के। फर्स्ट पॉइंट, जो वैल्यूज निकलती आ रही हैं उनको मैं एक साइड में प्लेस कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। साइन थीटा हमें रिप्लेस करना है किससे, कॉस फाई से, फर्स्ट वैल्यू। अब चलते हैं आगे, इसी को आगे प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट टर्म में, देखिएगा फिर से इसी ट्राइंगल में आते हैं। इस ट्राइंगल में हम गौर से देखें तो हमें एक बात और दिखाई दे रही है, ये फाई को देखिएगा, अगर मैं इसमें कॉस फाई की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं इस ट्राइंगल में, तो कॉस फाई क्या होता है भाई, कॉस फाई का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस फाई होता है हमारे पास बेस अपॉन, पढ़ते थे ना हम लोग, बताओ मैथ्स में क्या होता था फटाफट से, कॉस फाई की वैल्यूज, कॉस फाई की वैल्यूज बेस अपॉन हाइपोटेनस,
तो यहाँ पे हमारे पास बेस कितना आ रहा है, अभी फाई की बात कर रहे हैं तो बेस आ रहा है ए, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ रही है आर। यहाँ से मैं आर की वैल्यू फाइंड करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर इज इक्वल टू ए अपॉन कॉस फाई, या इसको ए सेक फाई भी लिख सकते हैं हम। ये हमें मिली वैल्यू किसकी, आर की, क्रॉस मल्टीप्लाई किया आर इक्वल टू ए अपॉन कॉस फाई, और वन अपॉन कॉस क्या होता है सेक फाई। तो यहाँ से मैं आर को रिप्लेस करूँगा ए सेक फाई से, दो वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं आर की भी। अब शुरू करते हैं लैक्स वैल्यूज, वो लैक्स वैल्यू कैसे मिलेगी वो समझिएगा। फिर से इसी ट्राइंगल में आते हैं, इस ट्राइंगल में हम गौर से अगर देखें, ये लेंथ हमारे पास डी एल है, थीटा है, फाई है। अगर मैं इसमें लेता हूँ टेन फाई, इस ट्राइंगल में टेन फाई, तो टेन थीटा क्या होता है भाई, टेन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये कितना हमारे पास परपेंडिकुलर, ये था हमारे पास लेंथ एल, तो ये हो गया एल, और बेस कितना था हमारे पास ए। टेन फाई इक्वल टू एल, एल का भी छोटा पोर्शन डी एल था जो हम कैलकुलेट कर रहे थे अब तक, एल अपॉन ए। यहाँ से एल इज इक्वल टू ए टेन फाई, ये हमें वैल्यू मिली एल की। मैं इसे करता हूँ डिफरेंशिएट, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू फाई, तो ये वैल्यू हमें देगा डी एल अपॉन डी फाई, ए बाहर लेते हुए टेन फाई का डिफरेंशिएट डायरेक्ट कर दिया सेक स्क्वायर फाई, ऐसे बच्चे समझ चुके होंगे टेन फाई का डिफरेंशिएट सेक स्क्वायर फाई। तो डी एल कितना आया ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ये वैल्यू हमें मिली डी एल की। अब ये सारी वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं, कौन कौन सी वैल्यूज मिल चुकी हैं हमें, डी एल की वैल्यू मिल चुकी है, साइन थीटा की वैल्यू मिल चुकी है, आर की वैल्यू मिल चुकी है। ये हम सारी वैल्यू प्लेस करेंगे अपनी इक्वेशन नंबर वन में। अब सारी वैल्यूज को हम वन बाय वन प्लेस करने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर वन में। इक्वेशन नंबर वन जो हमने कैलकुलेट की थी वो आई थी हमारे पास डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसमें हम सारी वैल्यूज को प्लेस करते हैं जो जो हमने फाइंड आउट किए हैं, तो बहुत केयरफुली समझिएगा। डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई, फर्स्ट ऑफ ऑल डी एल, डी एल की वैल्यू हमारे पास आई थी ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई। मैं इसको रिप्लेस करता हूँ ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ये वैल्यू किसकी हमारे पास डी एल की। नेक्स्ट वन साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई हमारे पास कॉस फाई, तो साइन थीटा की वैल्यू को रिप्लेस किया हमने कॉस फाई से। यहाँ पे हमने साइन थीटा की वैल्यू को रिप्लेस किया है कॉस फाई से अपॉन में आर, आर की वैल्यू हमारे पास ए सेक फाई, जिसे हम रिप्लेस करते हैं ए सेक फाई होल स्क्वायर। जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई, एक ए से एक ए कैंसिल, फिर भी एक ए नीचे रह गया क्योंकि ए स्क्वायर है, सेक स्क्वायर फाई से सेक स्क्वायर फाई कैंसिल, क्या बचा हमारे पास सिर्फ कॉस फाई डी फाई। फाइनली हमने जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी निकाली है वो है हमारे इस छोटे से थोड़े से चिन्ने मिन्ने से करंट एलिमेंट डी एल की वजह से, बट अभी हमारे पास पूरा वायर बचा हुआ है। एक वर्टिस एंगल में रखा है फाई वन, दूसरी वर्टिस एंगल में रखा है फाई टू, तो टोटल फाइंड करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड हमें करना पड़ेगा इसका इंट्रीगेशन। तो अब हम निकालते हैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड, वो कैसे निकलेगा, इंट्रीगेशन करना पड़ेगा म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई अपॉन ए कॉस फाई डी फाई, और ये इंट्रीगेशन कहाँ से होगा, माइनस फाई वन से प्लस फाई टू तक। माइनस क्यों, फाई वन डाउनवर्ड है ना, नीचे माइनस हो गया ऊपर प्लस का हो गया, सिंपल मैथ्स रूल, तो माइनस फाई वन से प्लस फाई टू तक। अब देखते हैं इनकी वैल्यूज क्या आती हैं, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई अपॉन ए कॉस फाई का इंट्रीगेशन करना पड़ेगा हमें यहाँ पे डी फाई की टर्म में, माइनस फाई वन से प्लस फाई टू तक। देखते हैं इसका इंट्रीगेशन कितना आता है, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई अपॉन ए कॉस फाई का इंट्रीगेशन, जैसा हमें मैथ्स में मालूम है इसका इंट्रीगेशन आता है निकल के साइन फाई, और लिमिट है हमारे पास माइनस फाई वन से प्लस फाई टू तक। अब एज पर मैथमेटिक्स इसकी लिमिट को
इसमें प्लेस करते हैं, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए अपर माइनस लोअर, तो साइन फाई टू माइनस माइनस प्लस साइन फाई वन, ये है वो रिजल्ट जो हमने फाइंड आउट किया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए, कहाँ पर आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमने कहाँ पर निकाल लिए, एक स्ट्रेट वायर के आउटसाइड में यानी बाहर की तरफ किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो यह है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड ऑफ द स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट वायर के बाहर, आउटसाइड मतलब स्ट्रेट वायर के बाहर किसी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और रिजल्ट क्या आया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए ब्रैकेट में साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। सपोज यही वायर हमारा इनफाइनाइट लेंथ का होता, मतलब इसकी लेंथ अगर इनफाइनाइट होती तो उस केस में ये एंगल भी लगातार इंक्रीज होते हुए चले जाते हैं, और इनकी मैक्सिमम लिमिट क्या होती है इंक्रीमेंट की इनफाइनाइट के केस में 90। आई एम सेइंग दैट अगर ये वायर इनफाइनाइट लेंथ का होता तो इस सी से उसके वर्टिस पे बनने वाले एंगल भी मैक्सिमम होते, और वो कितने होते 90। तो इन केस ऑफ इनफाइनाइट, अगर वायर इनफाइनाइट लेंथ का है तो फाई वन फाई टू को रिप्लेस करेंगे हम 90 से, और ऐसा करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट हमें मिलेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन 90 प्लस साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1। सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए 1 प्लस 1 यानी 2 कैंसिलेशन, ये हुआ म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन ए इन केस ऑफ इनफाइनाइट स्टेट वायर, अगर आपका वायर इनफाइनाइट लेंथ का स्टेट है तो। नाउ अब हम पहुंच चुके हैं आज के लेक्चर के लास्ट टॉपिक पे। अगले वीडियो में हम इन सारे के सारे टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, तो उसको देखना ना भूलें, मस्ट बी रिमेंबर कि उसमें सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, वो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल शुरू कर रहा हूँ मैं आज का लास्ट टॉपिक जिसमें हम फाइंड करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मूविंग चार्ज पार्टिकल। अगर एक मूविंग चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट रन थ्रू कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो उसके नियर अबाउट जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो कितना होता है, तो ज़रा देखिएगा। सपोज देयर इज अ प्लस क्यू चार्ज, ये एक प्लस क्यू चार्ज है जो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में विद द कॉन्स्टेंट स्पीड वी, ये कॉन्स्टेंट स्पीड वी से रन थ्रू मूव कर रहा है। इसने अपनी स्टार्टिंग पोजिशन से अपनी एंडिंग पोजिशन तक जो लेंथ कवर की है सपोज वो कितनी है dl, तो हम ये कह सकते हैं कि ए टू बी जो मूविंग चार्ज पार्टिकल की उन्हें कॉन्स्टेंट स्पीड से लेंथ कवर की है वो एक करंट एलिमेंट के इक्विवेलेंट है। अब वो जो करंट एलिमेंट है ये जनरेट कर रहा होगा अपने नियर अबाउट मैग्नेटिक फील्ड, और हमें फाइंड करना है इससे स्मॉल r डिस्टेंस पे इस पर्टिकुलर पॉइंट सी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो ज़रा देखिए इसके पाथ के साथ प्लस की उधर तो करंट भी इधर, करंट की डायरेक्शन उस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के बीच में जो उसने अभी एंगल बना रखा है वो कितना एंगल है हमारे पास थीटा। सपोज ये एंगल सॉरी 90, अगर ये एंगल कुछ और होता तो हम वैल्यू प्लेस कर लेते, फिलहाल तो ये हमें कितना दिख रहा है ये एंगल बनता हुआ 90, तो हम वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली कितना वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा उस पॉइंट पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज पर द बायो सावर्ट लॉ ये एक करंट एलिमेंट के इक्विवेलेंट है, तो बायो सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या फॉर्मूला यूज़ करते थे मैग्नेटिक फील्ड का हम, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसी फॉर्मूले में हम सारी वैल्यूज को प्लेस करेंगे, फर्स्ट अमाउंट ऑफ करंट कितना है चार्ज क्यू ए से लेकर बी तक पहुंचा है, और सपोज उसने टाइम कितना स्पेंड किया डेल्टा टी, तो इस तरीके से करंट का फॉर्मूला तो मिला हमें क्यू अपॉन डी टी, ये वैल्यू ऑफ करंट है। नेक्स्ट वन डी एल, आखिर उसने ए से बी तक जो लेंथ कवर की है वो कितनी है, लेंथ मतलब स्पीड इंटू टाइम वी इंटू डी टी के इक्वल। साइन थीटा में थीटा कितना है, थीटा है करंट की डायरेक्शन और उस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के बीच का एंगल यानी 90। ये सारी की सारी वैल्यूज हम इक्वेशन में प्लेस करते हैं तो हमें रिजल्ट मिला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, करंट को रिप्लेस किया क्यू बाई डी टी से, एल को रिप्लेस किया वी इंटू डी टी से, साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर।
सो डी बी शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, डी टी से डी टी कैंसिल, यहाँ बचेगा सिर्फ क्यू बी साइन 91 अपॉन आर स्क्वायर। ये है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू मूविंग चार्ज पार्टिकल। और सपोज एंगल 99 नहीं होता, कोई और एंगल होता तो उस एंगल को हम प्लेस कर देते। तो इस तरीके से मैंने आपको आज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड सारे डेरिवेशन कॉन्सेप्ट सब क्लियर करें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की। तो होप सो आपको क्लियरिफाई हो चुका होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, या अपने जो भी कमेंट्स या क्वेश्चंस हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दें, वहाँ से मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता भी दूंगा। एंड फाइनली स्पीच, फ्रेंड्स अगर आपको हमारे चैनल में कुछ भी अच्छाई दिखती है 1% भी, तो उसको दूसरों तक पहुँचाएँ ताकि वो लोग भी कुछ फ़ायदा उठा पाएँ। और अगर आपको हमारे चैनल में या हमारे कंटेंट में कुछ कमी दिखती है तो हमसे बताएँ ताकि हम उसे दूर कर पाएँ और नए सिरे से आपको फिर से एक नए मॉड्यूल में दोबारा समझा पाएँ। हम बहुत जल्दी अपना एक नया सीरीज शुरू करने वाले हैं जो बेसिकली कंपटीशन लेवल के लिए होगा,